फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और दबाएं इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। फ्रेंड्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ शहनाज हुसैन द्वारा जाने ब्यूटी की वो गलतियाँ जो हर लड़की करती है। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूँ, आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से मेकअप, ब्यूटी, फैशन और हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे जिन्हें अपना कर आप हमेशा खूबसूरत और फिट रह सकती हैं। ये गलतियाँ न सिर्फ स्किन को नुकसान पहुँचाती हैं बल्कि आपका लुक भी खराब करती हैं। कई बार जानकारी की कमी या अनजाने में आपसे ब्यूटी से जुड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। इससे न सिर्फ आपकी स्किन को नुकसान होता है बल्कि अगर ये गलती मेकअप से जुड़ी हो तो आपका लुक भी खराब हो जाता है। तो आप भी जानिए फेमस ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से ऐसी ब्यूटी गलतियाँ जिन्हें अक्सर हर लड़की करती है और आप इनसे बचकर रहें। पहला, ऑयली स्किन की मसाज बिल्कुल नहीं। मसाज ऑयली स्किन के लिए नहीं बने हैं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम से जब आप चेहरे का मसाज करती हैं, तो भले आप काफी रिलैक्स फील करें लेकिन ये क्रीम आपकी स्किन पोर्स को बंद कर देती है। इससे आपको पिंपल्स की परेशानी होती है। फेशियल कराते वक्त भी आप क्लींजिंग, एक्सफोलिएशन, टोनिंग और मास्क इन स्टेप्स की मदद लें। मसाज अवॉइड करें। ऐसे स्किन वाली लड़कियां लाइट लिक्विड या मैट मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। दूसरा, लाइट कलर का फाउंडेशन इस्तेमाल करना। कई बार खुद को फेयर दिखाने के लिए लड़कियां लाइट कलर के फाउंडेशन चुन लेती हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका स्किन टोन बेहतर नजर आएगा, पर ऐसा नहीं है। लाइट शेड वाले फाउंडेशन के इस्तेमाल से ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई मास्क पहना है और मेकअप थोप लिया है। हमेशा अपनी स्किन टोन से मिलते जुलते फाउंडेशन का इस्तेमाल करें। इसे चेहरे के साथ गर्दन पर भी लगाएं। डार्क सर्कल छिपाने के लिए स्किन टोन से एक शेड लाइट कंसीलर छूने। तीसरा, ऑयली स्किन को ज्यादा धोने की गलती। ये सच है कि दिन में दो बार चेहरे को किसी अच्छे फेस वॉश से धोना चाहिए, पर जिनकी ऑयली स्किन होती है उन्हें लगता है कि दो बार इसे धोना काफी नहीं है और ऑयलीनेस को खत्म करने के लिए चेहरे को दिन में कई बार धोने की गलती करते हैं। आपकी याद आता आपके नेचुरल एसेट मेंटल यानी कि एक तरह का लेयर को नुकसान पहुंचाती है और आपकी स्किन ज्यादा अल्कालाइन हो जाती है। इससे स्किन पर बैक्टीरिया आसानी से अटैक कर पिंपल्स की वजह बनते हैं। साथ ही इससे नेचुरल ग्लो को भी नुकसान पहुंचता है और स्किन डल हो जाती है। चौथा, ड्राई स्किन पर मेकअप करना। अक्सर हम चेहरे को तैयार किए बिना मेकअप करना शुरू कर देते हैं। इस गलती का नतीजा होता है कि मेकअप आसानी से अप्लाई नहीं होता है और ये जल्दी खराब हो जाता है। हमेशा स्मूथ पेस तैयार करने के बाद मेकअप करें। इसके लिए सबसे पहले चेहरे को धोकर मॉइस्चराइजर और फिर प्राइमर लगाएं। स्किन को मॉइस्चराइजर किए बिना मेकअप की शुरुआत कभी न करें। पांचवा, नेचुरल लाइट में मेकअप प्रोडक्ट्स का चुनना। कभी भी आर्टिफिशियल लाइट में मेकअप प्रोडक्ट चुनने की गलती न करें। इसमें आपका स्किन टोन सही नजर नहीं आता है। ऐसे में अगर आप इनके सेट्स चुनेंगे तो यकीनन आपको सही प्रोडक्ट हाथ नहीं लगेगा। छठवां, मेकअप न हटाना। कई बार आलस में आप मेकअप हटाए बिना सो जाती हैं। आपकी ये गलती स्किन को काफी नुकसान पहुंचाती है। मेकअप प्रोडक्ट में मौजूद इंग्रेडिएंट्स स्किन पोर्स को बंद कर देते हैं। अगर आप इसे नहीं हटाएंगे तो स्किन खुलकर सांस नहीं ले पाएगी और नेचुरल ऑयल को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। इससे आपको पिंपल्स, एलर्जी और रैशेस की परेशानी के साथ डल स्किन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो फ्रेंड्स शहनाज हुसैन द्वारा जाने ब्यूटी की वो गलतियां जो हर लड़की करती है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेकअप, ब्यूटी, फैशन और हेल्थ से संबंधित आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे
कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकती हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।